घाटी की सड़कों पर दौड़ती सेना की गाड़ियां, चप्पे चप्पे पर तैनात देश के बहादुर जवान, आतंकियों को बिल से निकालकर मारने का प्लान, हाथों में आधुनिक हथियार और दिल और दिमाग में दहशत गर्दों को भगाने के जज्बे से लैस हमारे जवान। हमारे सुरक्षा बल अब आतंकियों को बिल से बाहर निकालकर पकड़ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है, जिसमें 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा ऑपरेशन में दर्द बोचा है। हिजबुल के एक A+ कैटेगरी के आतंकी को बांडीपुरा से गिरफ्तार किया है और आज पुलवामा के चिलन से एक लश्कर के आतंकी को हिरासत में लिया है। वहीं बात करें घाटी और सीमा पर पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजने के षड्यंत्र लगातार रचता आ रहा है, लेकिन हमारे मुस्तैद जवान इन्हें लगातार जहन्नुम का टिकट दे रहे हैं और कायर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है कि पिछले काफी वर्षों से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ गलत कार्रवाइयां करता रहा है, जिसके जरिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर भेजकर आतंक फैलाना चाहता है। कि भारतीय सेना बिल्कुल काबिल है, सक्षम है और हर समय जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई सीज़ फायर वायलेशन या कोई स्नाइपिंग का हादसा होता है, पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पुंछ में कलाई पुल का उद्घाटन करने पहुंचे सेना के नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि 2018 में करीब 250 से ऊपर आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, जबकि 54 आतंकियों को जिंदा काबू किया है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा। अपनी बुजदिली के लिए मशहूर पाकिस्तान भले ही कितने आतंकी भारत में भेजने की कोशिश करे, लेकिन हमारे देश के रखवाले जवान इन्हें निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।